कह रही थी कि रुशना के जाने से तो आप लोगों को फायदा हुआ है, अब राज करना मेरी बेटी तो इस घर में सबको खटकती। लेकिन वो तो अपनी मर्जी से गई है ना, उसे किसी ने नहीं भेजा, तो फिर ये इल्जाम कैसे लगा सकते हैं वो लोग। सही कह रही, कल को भी उल्टी सीधी सुना दी गुल को आंटी ने। मेरे साथ आराम से बैठी हुई थी, आ गई अचानक और कहने लगी कि तुम्हें क्या जरूरत थी नौफल के साथ यूनिवर्सिटी जाने की बाइक पे बैठ के, कुछ तो ख्याल करती तुम्हारी कजिन का मंगेतर है। हाँ, मुझे बताया था नौफल ने कि वो उसको यूनिवर्सिटी ड्रॉप करके आया। लेकिन फायजा एतराज करने वाली कौन होती है? उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया कि तुम और नौफल ठुकराए हुए हो, एक साथ अच्छे लगोगे। तो तुमने कुछ नहीं कहा, तुम्हें जवाब देना चाहिए था आगे से। अरे बेटा, वैसी घटिया बातों को क्या जवाब देती? बजाय इसके कि अपनी बेटी के करतूतों पे वो शर्मिंदा हो, उल्टा अकड़ अकड़ के बात करती है सबसे। तुम क्या थी और क्या हो गई रुशना? पाकीज़गी की चादर उतार के ये जो बेहयाई का लिबादा पहना है तुमने, घिन आ रही है तुमसे। क्या देख रहे हो? लग रही हो ना पहले से ज्यादा हसीन। जाहिर है अब ऐसे ही तो अरबपति जिब्रान ने मुझे पसंद नहीं किया, हसीन हो इसलिए तो पसंद किया। क्या फजूल बकवास कर रही हो, जाओ यहाँ से। ओह, जेलिस हो रहे हो जिब्रान का नाम सुनकर? हाँ, मुझे ना तुमसे कोई मतलब है और ना तुम्हारे उस जिब्रान से। और तुम लोगों में ऐसा है क्या कि मैं तुमसे जेलिस हूँ? हम में ऐसा क्या है, हमारे पास सब कुछ है। और तुम, तुम्हारे पास है क्या ये वही खिटारा बाई पहले की तरह? तुम्हारे पास कुछ भी नहीं। हैरत है वैसे, तुमने कोई तरक्की वरक्की नहीं की अभी तक। तो क्यों आती हो इस खटारा बाइक वाले के पीछे? क्यों आती हो उस गरीबों के मोहल्ले में? जाओ अपने दौलतमंद शौहर के पास जाओ। मैं तुम्हारे पीछे आऊंगी, ये तुम्हारी खुशफहमी है मिस्टर मुफल। मैं आसमानों में उड़ रही हूँ और तुम अभी भी जमीन पर हो। और जमीन में ही रहना, ज्यादा आसमानों में उड़ने की कोशिश भी मत करना, समझे? सामान ले आओ। फैलती आग थी, राख है उड़ चुकी, रह गया है धुआं, मंजिलों को कहां छू सकी कोई राह, एक पल की खुशी और दुख बेपनाह, बेपनाह, बेपनाह। अम्मा, मेरा ख्याल है कि आप शैला भाभी से बात करें और कहें कि नौफिल के लिए भी कुछ सोचें। बेटा, मैं किस मुंह से नौफल के बारे में बात करूं? मुझे तो शर्म आ रही है उसके बारे में कोई भी बात करते हुए। आप भी ठीक कह रही हैं। नौफल की कहीं शादी हो जाए तो कम से कम हमें जुर्म का एहसास कम हो जाए।